Hello everyone, welcome to my channel VS Education Summer. Today I am here to discuss about the IBPS Clerk, jinka bhi exams hua hai 8th December ko first exception mein. Iska main details mein analysis laya hu. Bahut hi acche level pe questions bhi apan discussions karenge, but analysis zarur karenge ki kis topic se kis jo aapka reasoning se maths se aapki english se जो इनमें से कौन कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चंस दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस मेरे पास हैं, तो अपन ओपन डिस्कशंस करेंगे. तो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल जिनका भी एग्जाम्स है उनको फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट ऑफ लक. अच्छे से एग्जाम्स कर लेने हैं, क्योंकि एग्जाम्स एक तरह से कह सकते हैं बहुत ही इतना इजी नहीं आ रहा. मॉडरेट लेवल का एग्जाम सोच रहे हैं, पर्टिकुलर टू सब्जेक्ट्स में आप देख लीजिए, या मैथ्स या रीजनिंग्स में से इंग्लिश आपको थोड़ा मॉडरेट पूछते हैं, बट मैथ और रीजनिंग्स आपके थोड़ा इजी पूछते हैं. काफी बार रीजनिंग इंग्लिश और रीजनिंग्स एक तरह से कह सकते हैं थोड़ा इजी पूछते हैं, मैथ्स आपकी थोड़ा डिफिकल्ट पूछ लेते हैं. तो इस बेसिस पे ध्यान रखिएगा, अपने को प्रिपरेशन इस बेसिस पे करनी. एक तरह से कह सकते हैं अपने एग्जाम्स पे ध्यान रखिएगा कि ज्यादा अटेम्प्ट ना हो, क्योंकि जहां तक ओवरव्यू मिल रहा है बच्चों से कि सर बहुत टफ, एक तरह से इंग्लिश का जो लेवल था बहुत ही मॉडरेट लेवल का था फर्स्ट अटेम्प्ट में. ओके, अच्छे एक तरह से कह सकते हैं अच्छे क्वेश्चन थे. इंग्लिश का थोड़ा लेवल था पीओ लेवल्स का, पीओ प्रीलिम्स का जो एग्जाम्स होता है उसका लेवल था इंग्लिश का. ओके, स्टार्ट करते हैं सेशन को, आपको पहले बता दिए. एंड बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू स्टूडेंट इन माय चैनल तो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए. ओके, आगे डिस्कशंस करते हैं. एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आगे रिपीट कर दूं कि प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा चैनल्स को एंड वीडियोस को, ताकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट तक पहुंच पाए जिनका भी अपकमिंग एग्जाम्स होना है. आज की 4th या 4th शिफ्ट में जिनका भी एग्जाम हो रहा है उनको बहुत हेल्प हो सकती है कि हाँ इस बेसिस पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इंग्लिश किस टाइप से पूछ रहे हैं, ताकि उनके अटेम्प्टेड भी एक तरह से कह सकते हैं सेम अटेम्प्टेड हो. ऐसा नहीं है कि ज्यादा मोटिवेट हायर अटेम्प्ट कर देंगे फिर देखें कि क्वेश्चन तो सारे रहेंगे. उसके बेसिस पे ध्यान रखिएगा, प्लीज शेयर जरूर कर लीजिएगा. ओके, स्टार्ट करते हैं. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश, माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए इंग्लिश में क्वेश्चंस आपके 30 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं. आपको मालूम होगा अगर आपने एग्जाम्स किया है तो 30 क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे. इसमें से करीबन मैं आपको बताता हूँ. देखिए रीडिंग कॉन्फ्रेंसिव इसके 10 क्वेश्चंस थे. इसके मैंने सिनोनिम्स वर्ड्स पूछे थे, वोकैबुलरी पूछी थी, वो मैंने नोट कर लिए. मैं आगे बताऊंगा आपको रीडिंग कॉन्फ्रेंसिव पैसेज किस बेसिस पे था, आपकी कॉफी प्रोडक्शन के बेसिस पे था. कॉफी का प्रोडक्शन जो था राइट, उसके बेसिस पे क्या उसके पैकेट्स में राइट पॉकेट्स में क्या एक तरह से कह सकते हैं पॉल्यूशंस नॉट पॉपुलेशंस, पॉल्यूशंस को कॉफी किस पर कॉफी का प्रोडक्शन किस बेसिस पे फार्मर कर सकते हैं, उसके बेसिस पे रिलेटेड इसमें पूरा ऑल ओवर एक तरह से कह सकते हैं. आपने अगर एडिटोरियल पोर्शन पढ़ते हैं, आप डेली एवरी डे न्यूज पेपर पढ़ते हैं इंग्लिश का, तो 100% आपके लिए पैसेज बहुत ईजी होगा. बट क्वेश्चन थोड़े मॉडरेट लेवल के दे रखे थे, उसमें हम कह सकते हैं कि वोकैबुलरी अच्छी बट 2% बहुत ही ईजी दे रखे थे, बट क्वेश्चन बहुत टफ क्वेश्चन दे रखे थे. ओके, तो ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव बेसिस था, 10 नंबर का क्वेश्चन था. टॉपिक्स आपका कॉफी प्रोडक्शन अगर आपने पढ़े डिटेल्स में तो 100% कर ले जाओगे. ओके, एंड देन फिलिंग द ब्लैंक्स के 5 क्वेश्चन थे. फिलिंग द ब्लैंक्स कैसे क्वेश्चन थे, देखिए बहुत ही टफ एक तरह से मॉडरेट लेवल का कह सकते हैं. देखिए सपोज कीजिए एक क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको सेंटेंस दे रखा है, देन ये पूरा आपका सेंटेंस है राइट, ये पूरा आपको सेंटेंस चला है, देन यहाँ पर इन्होंने ब्लैंक दे दिया राइट. देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर इन्होंने ब्लैंक दे दिया कि यहाँ पर क्या फिर होगा यहाँ पर. ओके, तो देन यहाँ पर फिर सेंटेंस है, ई की ब्लैंक है, बट माय डियर स्टूडेंट्स इसके ऑप्शन उन्होंने दे रखे थे 1, 2 एंड 3. ये 3 ऑप्शंस इसमें दे रखे थे, 3 वर्ड्स में से आपको बताना था कि कौन से 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स या सिंगल वर्ड्स कौन से वर्ड्स इसमें एक तरह से कह सकते हैं सूटेबल होंगे. इस तरह का टाइप का फेलियर्स का ओके थोड़ा सा कह सकते हैं टफ लेवल था, बट कह सकते हैं इतना इजी नहीं पूछा कि एक लाइन में पूछ लिया देन ऑप्शंस आपसे सामने दे दिए, उसके बेसिस पे थोड़ा सा इंग्लिश को मॉडरेट रखा है इन्होंने. ओके, एरर का आपके फिलिंग का ब्लैंक्स हो गया. इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स बहुत ही सरल एकदम इजी वर्ड्स थे, इन अप्रोप्रिएट 5 क्वेश्चंस इससे पूछे गए थे. एरर के 5 क्वेश्चंस अब देखिए, एरर भी किस बेसिस पे, देखिए एरर मैं आपको बताऊं पर्टिकुलर, देखिए सपोज कीजिए एक क्वेश्चन है राइट, एरर इससे बेसिस पे यहां पर एक क्वेश्चन किसी एक तरह से एक क्वेश्चन दे दिया एंड इसके 1 पार्ट में राइट, एंड सेकंड पार्ट या ए बी सी कर लीजिए, आपको सेकंड पार्ट एक सेंटेंस दे दिया एंड थर्ड पार्ट ये पर्टिकुलर एक सेंटेंस इस टाइप से नहीं है कि एक ही सेंटेंस चल रहा है, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया. ऐसा नहीं है कि ये जो सेंटेंस यही यहाँ पर कंटिन्यू होगा यही यहाँ पर कंटिन्यू होगा, नॉट एट ऑल. यहाँ पर अलग सेंटेंस है, यहाँ पर अलग मैटर्स है, यहाँ पर भी अलग सेंटेंस है.
इसमें से अपने को एरर फाइंड आउट करना था, ये इंग्लिश का एरर का पैटर्न था। आई होप आपने अगर एग्जाम्स दिए हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा सर हाँ एक्सेप्ट यही पैटर्न दिया गया ना, एक्सेप्ट यही पूछा गया था। ओके अगर मैं सही हूँ आई एम राइट तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके अगर आपने एग्जाम्स दिया है कोई भी क्वेश्चन आपको रिमेम्बर हो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि मोस्ट ऑफ एग्जाम्स जो एग्जाम्स जिनका भी होगा उनके लिए हेल्प हो सकती है। ओके पैराजेबल्स के आपके 5 क्वेश्चंस थे, पैराजेबल्स रिलेटेड एक आपको ऐसे नहीं था कि पैराजेबल्स आपको मालूम है नॉर्मली जो ए बी सी डी ई एफ इनमें से फर्स्ट सेकंड आपको छानना था, फर्स्ट कौन सा था एंड सेकंड कौन सा था, इनमें से आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप से जो पैराजेबल्स दिए जाते हैं वो आपका इंग्लिश का पोर्शन पैराजेबल्स का पोर्शन था। टोटल 30 क्वेश्चंस मांगे गए थे, दिस इज द मॉडरेट लेवल का इंग्लिश था। तो 100% अगर आपने 20 प्लस विद 100% एक्यूरेसी 20 प्लस 20 से 23 इंग्लिश के लिए, अगर हाँ तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा सर हाँ इस स्टेप से बन सकता है, अगर कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके ये इंग्लिश का ऑल ओवर फॉर्मेट था, एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगा जिनका भी एग्जाम्स है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपका है मैथ्स, देखिए न्यूमेरिकल्स एप्टीट्यूड डिफरेंस मैथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 5 क्वेश्चंस आपके बिल्कुल इजी लेवल पे क्वेश्चंस था, ऐसा नहीं था टफ लेवल पर, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस था। ओके बिल्कुल इजी क्वेश्चंस इस टाइप से अपन रेगुलर बेसिस पे करते हैं, x plus 5 यहाँ पर 5, x plus 5 यहाँ पर 4, राइट 4 1 4 8 and 6 3 5 plus 6 3 इस टाइप के सारे पैटर्न इसी टाइप के आपके इक्वेशंस पूछे गए हैं सिंपलीफिकेशंस के 10 क्वेश्चंस थे थोड़े मॉडरेट लेवल है, इतना हलवा टाइप सिंपलीफिकेशंस नहीं पूछा था, पॉइंट सॉल्यूशन बहुत से ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, पॉइंट सॉल्यूशन पॉइंट्स 2 5 एंड की पॉइंट के बाद 3 डेसिमल्स भी आपको फाइंड आउट करना पड़ रहा था वहां पर, पॉइंट के बाद 3 डेसिमल्स भी आपको फाइंड आउट करना था इस स्पेसिस पे आप देख सकते हैं इसका पैटर्न पूछा गया है। अगर पॉइंट्स के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है तो क्वेश्चंस आपके टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है न्यूमेरिकल्स एप्टीट्यूड में, राइट 10 क्वेश्चंस इसके से डीजे टेबल्स फॉर्म में था, 5 क्वेश्चंस डीए फॉर्म में पूछे गए थे, टेबल्स फॉर्म में। ओके एंड नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चंस मिसिंग नंबर सीरीज के, राइट मिसिंग नंबर से बहुत ही इजी, अगर आपने मेरा 100 क्वेश्चंस का पीडीएफ आपने लगाया तो आई गारंटी आपके लिए नंबर सीरीज बिल्कुल एकदम अब 100% विद इन 2 मिनट्स में 5 क्वेश्चंस आप करके आए होंगे, विद इन 2
बहुत अप लेवल के क्वेश्चंस करवाने हैं। अगर आप रेगुलर देखते हो तो 100% आपको पता होना चाहिए। अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। अर्थमेटिक पर्टिकुलर टॉपिक्स आपसे रिलेटेड थे, पार्टनरशिप से एसआईसीआई आपके ट्रेन्स का हो गया, एंटरप्राइज प्रॉफिट एंड लॉस का हो गया, सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। पार्टनरशिप्स का एक क्वेश्चंस मेरे को रिमेंबर है, मैं आपको बताऊं उसका 60,000 करीबन आंसर, 60,000 या 6 लाख इसके करीबन आंसर था, राइट। एंड देन इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चंस भी रखा था, वो 100% आपका वाला होता है, 100% इसमें पूरी टोटल से उसकी इनकम है, 20% इसमें एक्सपेंड कर देता है 20%, एंड देन रिमेनिंग का 80% रिमेनिंग हुआ, ओके 80% रिमेनिंग हुआ, एंड 60% ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, 60% इसका 60% यानी कि 48 रिमेनिंग रहा इसका, 32 इन्होंने 5:3 में अपने सिस्टर्स और मदर के बीच में 5:3 में, यानी कि 8 हो गया टोटल, 8 × 4 = 20 और 3 टाइम्स होगी। फिर उसके बाद सिस्टर के दे रखी थी आपके 72,000 के वैल्यू में, राइट। अब आपको टोटल इनकम फाइंड आउट करनी थी। ये पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस था, आई होप आपको रिमेंबर हुआ होगा। अगर अच्छा लगा क्वेश्चंस तो प्लीज बताइएगा, अगर सेशन अच्छा लगा कुछ हेल्प हो रही है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने मोस्ट ऑफ स्टूडेंट, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, ओके। ये ओवरऑल मैथ्स का था। मैथ्स में देखिए थोड़ा कह सकते हैं थोड़ा इजी पेपर, इतना ज्यादा नहीं था, सिंप्लीफिकेशन अपन करें तो राइट है। अब इसमें 25 से 30 क्वेश्चंस अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं विद 100% एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी मैटर करती है। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो 100% मार्क्स आपके इंक्रीज होंगे, ओके। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल बनता है, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट्स में कंपेयर करें तो बहुत कंपेयर एकदम एक जैसा पेपर बिल्कुल नहीं आ रहा, ओके। रीजनिंग दीजिए, रीजनिंग्स देखिए, रीजनिंग्स एबिलिटी इट मींस पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट के 15 क्वेश्चंस एंड की 3 सेट्स थे, राइट। देखिए फर्स्ट आपका एक पजल्स आपका रिलेटेड था आपका, जो
बजट एक आपका जो आपके मंथ्स दे रखे होते हैं, फोर्थ मंथ आपको दे दी राइट, फोर्थ मंथ आपको गिवन दे दी एंड देन उसके बाद 3 और 14 डेट आपको देनी एंड देन इसके बेसिस पे आपको डिवाइड करना था। उसमें मंथ से जनवरी अप्रैल एंड जनवरी अप्रैल जुलाई एंड दिसंबर राइट, जनवरी अप्रैल जुलाई एंड दिसंबर ए मंथ थे एंड 2 to 3 or 14 डेट आपको डेट्स आपको दे रखी थी। इस टाइप से जो बजट आती है वो आपको शॉर्ट करनी थी राइट। एंड देन क्वेश्चन था आपका स्क्वायर के बेसिस पे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था स्क्वायर के बेसिस पे, 8 questions थे राइट। कॉर्नर आपके इन साइड फेसिंग एंड जो मिड है वो आउटसाइड फेसिंग थी। ये सारा एक ये क्वेश्चन था एंड एक आपका था लीनियर बेस पर क्वेश्चन, अनसर्टेन क्वेश्चन अनसर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, एक लीनियर पजल का पजल था राइट। ये सारा पजल से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ, 15 क्वेश्चन थे यानी कि 3 सेट्स थे। मिसलेनियस के टू क्वेश्चंस थे, एक तो वो एक नेम दे रखा था उसके नेम्स में आपको आइडेंटिफाई करना था कि किस बेसिस पे कहां से कौन सा वर्ड एक मींस एज इट इज है राइट। एंड एक आपकी संख्या दे रखी थी कौन सी संख्या इस बेसिस पे राइट। एंड देन ब्लड रिलेशंस के बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशंस के आपको जिनका भी अच्छे से बिल्कुल पेशेंस के साथ इस क्वेश्चंस को सॉल्व किया है तो वो क्वेश्चंस इसको सॉल्व करके ले जाएंगे 3 questions। अगर पेशेंस नहीं रखा कंफ्यूज हो गए तो 100% ये क्वेश्चंस बहुत से लोगों ने छोड़ा। आप भी कमेंट कीजिए अगर आपका इसका शिफ्ट में कम क्वेश्चंस था तो प्लीज कमेंट कर दीजिए सर ब्लड रिलेशंस क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हुआ, प्लीज बताइएगा कि हाँ अच्छा लेवल का क्वेश्चन तो ब्लड रिलेशन। कोडिंग की कोडिंग आपकी चाइनीज कोडिंग थी, अल्फा न्यूमेरिक बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, अल्फा न्यूमेरिक साइन वाला सिंबल्स वाला, इनइक्वालिटी बहुत ही इजी इनइक्वालिटी ये वाली इसमें आपको बता दूं आपकी ए प्लस बी वाई ए बड़ा बी से बी बड़ा सी से सी और सी सी छोटा बराबर डी, इस टाइप के क्वेश्चन आपको दे रखे थे इनइक्वालिटी के, 5 questions थे बहुत ही इजी थे ओके। दैट इज द पैटर्न, आई होप सो मच क्लियर हुआ होगा ये ओवर द पैटर्न से, आई होप आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा कि एग्जाम्स में इससे बेसिस पे अपन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छे याद रखिएगा बिल्कुल तुक्का नहीं मानना है, जो क्वेश्चंस आए वही शोर करना, चाहे आपको 10 आए चाहे 20 आए चाहे 30 क्वेश्चंस भी आए आपको तुक्का नहीं मानना है। एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है माय डियर स्टूडेंट्स, ये नहीं कि तुक्का मार के आ गए राइट। अगर अच्छा लगा सेशन अच्छा लगा तो प्लीज अपने और भी स्टूडेंट्स की हेल्प कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा आपके ओके। एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ओके। ये देखिए इंग्लिश का ये 2 words थे, अगर आपको लगता है कि मैंने बिल्कुल एज इट इज यही वर्ड्स थे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा एंड आपको भी कुछ भी वर्ड्स रिमेंबर हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। देखिए एक वर्ड दे रखा था सेंसिटिव राइट, सेंसिटिव आपका वर्ड दे रखा था सेंसिटिव राइट, सेंसिटिव यानी कि आपको मालूम है संवेदनशील होता है, शब्द आपको यूज कर सकते हैं संवेदनशील ओके। एंड अपशोर्ड यानी कि अपशोर्ड यानी कि जो बेतुका होता है राइट, जो एकदम अनरीजनेबल उसको बोला जाता है, जो किसी कारण बस कोई बातें नहीं कोई कारण ना हो कोई रीजन ना हो उसके बेसिस पे तो वो बातें करता उसको बोल देते हैं अपशोर्ड राइट। बेतू का आपकी यूज कर सकते हैं, बेतू का हिंदी में यूज कर सकते हैं, इसका अपशोर्ड का दे रखा था आपका सिनोनिम्स, तो अगर आपने अनरीजनेबल ऑप्शन में था अगर आपने वहां टिक किया तो ये आपका सही आंसर है। कॉफी प्रोडक्शन मैंने आपको बताया फर्स्ट के वीडियो स्टार्टिंग में ओके, दैट इज द पैटर्न। आई होप सो गाइस आपको अच्छा लगा मजा आएगा, आप मोटिवेटेड होंगे तो प्लीज लेसन को लाइक कर दें शेयर कर दें एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, अच्छे से अटेम्प्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा, जो क्वेश्चंस आए वही क्वेश्चंस करिए, एकदम रिस्क लेने की कोई आवश्यकता नहीं, एक्यूरेसी बहुत मैटर करेगी क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बन सकता है ओके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत, आप सभी का दिन मंगलमय हो एंड बेस्ट ऑफ लक।